अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको बताएंगे नोकिया 130 मोबाइल आया है हमारे पास, जो ऑन हो रहा है लेकिन डिस्प्ले आ रही है, एलसीडी की लाइट ऑन नहीं हो रही। हम आपको बताएंगे इसकी एलसीडी की लाइट किस तरह ठीक की जाए। जो हजरात मोबाइल रिपेयरिंग या मोबाइल रिपेयरिंग का शौक़ रखते हैं उनके लिए बहुत ही ख़ास वीडियो है, एंड तक देखिए। इस मोबाइल को हम ओपन करते हैं, खोलते हैं, खोलने के बाद आपको हम बताते हैं कि इसका मसला कहां से इसमें फॉल्ट है, वो मसला फॉल्ट आपको हल करने का तरीका बताएंगे। बहुत ही आसानी से आप इसका मसला हल घर पर कर सकते हैं। जो हजरात दुकानदार हैं, नए दुकानदार होते हैं, उनके लिए थोड़ी मुश्किल होती है, उनके लिए भी बहुत ख़ास वीडियो है। चलिए हम टाइम बचाते हुए मोबाइल को खोलते हैं, उसके बाद आपको हम इसका फॉल्ट बताते हैं कैसे हल हो। जी दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं हमने मोबाइल खोल लिया है, इसकी एलसीडी की लाइट नहीं जल रही। शायद हम आपको दिखा सकें, इसका डिस्प्ले आ रहा है लेकिन नहीं। इसकी लाइट ऑन करने के बाद ही हमें पता चलेगा कि इसका डिस्प्ले आ रहा है कि नहीं। चलिए हम आपको बताते हैं इसका मसला हल कैसे किया जा सकता है। हम पहले इसकी एलसीडी की लाइट चेक करेंगे कि उसका बल्ब तो नहीं ख़राब। उसके लिए हम मीटर से भी चेक कर सकते हैं। वैसे मैं सप्लाई से तारें लगा के इसकी लाइट चेक करते हैं पहले एलसीडी की, कि एलसीडी की लाइट ऑन है कि नहीं। काफ़ी बार एलसीडी की लाइट में भी फ़र्क होता है, एलसीडी की लाइट भी ख़राब होती है, उसकी वजह से भी इसकी एलसीडी की लाइट नहीं जलती। अर्थ वाली तार मैंने लाइट एलसीडी की लाइट की अर्थ वाले पॉइंट के साथ लगा दी है, दूसरी मैंने टीज़र के साथ लगाई हुई है। मैं उसके नफी वाले पॉइंट, जमा वाले पॉइंट पे लगा के चेक करेंगे कि लाइट मोबाइल की ऑन है कि नहीं है। मोबाइल का बल्ब लाइट जो है बिल्कुल ओके है। अब हम इसमें चेक करेंगे कि इसके कहां से इसमें मसला आ रहा है। ये दो गोल्डन कलर के पॉइंट बने हुए हैं, ये इसकी लाइट के पॉइंट हैं। यहां पे हम चेक करेंगे कि जहां से पॉइंट से बोल रहा है कि नहीं बोल रहा। यहाँ पे मीटर की सुई नहीं बोल रही, यहाँ से चेक करते हैं। जी यहाँ पे ठीक है, ओके है। इस पॉइंट में मसला है, ये आगे करंट नहीं आ रहा, तो इसे हम देखेंगे क्यों करंट नहीं आ रहा। यहाँ से ये पॉइंट थोड़ा सा ख़राब हुआ हुआ है, पानी की वजह से या वैसे ही डैमेज हो गया है। तो इसका आसान सा हल है, आप छोटी सी वायर लें, वायर को आप इस पर लगाएं, अब हम दोबारा इसका पॉइंट चेक करेंगे। एक पॉइंट इसका बिल्कुल ठीक बोल रहा है, ये वाला भी अब ठीक बोल रहा है,
यहाँ से इसका पॉइंट डैमेज था। अक्सर एलसीडी के पास जो ग्रिप के पॉइंट होते हैं इसके नीचे होते हैं, वहाँ से भी नमी की वजह से या जंग आने की वजह से काम छोड़ जाता है। आप इन गोल्डन पॉइंट से दो जंपर उठाकर ये पहला एक पॉइंट छोड़ के अगले दो पॉइंटों पे लगा के एलसीडी की लाइट चालू कर सकते हैं। मैं आपको चेक कराता हूँ इसकी एलसीडी की लाइट। पॉइंट हमारा डैमेज था जो कि हमने जंपर लगा के ठीक किया है। इंशाल्लाह आपको वीडियो पसंद आएगी, बहुत आसानी से आप इसका मसला हल कर सकते हैं। ये दो पॉइंट हैं गोल्डन कलर के, आपको नज़र आ रहे होंगे ये दो गोल्डन कलर के पॉइंट हैं, ये लाइट के हैं। अक्सर इस एलसीडी के इस तरफ से पॉइंट होते हैं जो लाइट के, वो डैमेज हो जाते हैं पानी की वजह से या जंग की वजह से। इस स्ट्रिप के नीचे होते हैं बिल्कुल, पहला पॉइंट अर्क का है ये छोड़ देना है, अगले दो पॉइंट लाइटों के हैं। यहाँ से हम जंपर उठाकर वहाँ डायरेक्ट भी लगा के एलसीडी की लाइट ऑन कर सकते हैं। चलिए हम आपको चेक कराते हैं। जी दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारा मसला हल हो चुका है, एलसीडी की लाइट ऑन हो गई है। पहले लाइट नहीं जा रही थी इसलिए एलसीडी का डिस्प्ले हमें नज़र नहीं आ रहा था, अब बिल्कुल ओके है लाइट। मोबाइल को पासवर्ड लगा हुआ है, कस्टमर का मोबाइल है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी मसला हो हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, हम आपका इंशाल्लाह जल्द से जल्द रिप्ले देंगे। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। खुदा हाफिज़।